तो देखिए, संसद में मॉनसून सत्र का पहला दिन आज, और पहला दिन शुरुआत हंगामेदार रही है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से वार पलटवार हुआ, लेकिन शुरुआत संसद सत्र के पहले दिन दिखी दो खास तस्वीरों के साथ। कीजिए, आज शुरुआत जब हुई तो दिल्ली में झमाझम मॉनसून वाली बारिश हो रही थी। पीएम मोदी जब संसद पहुंचे तो उनके हाथ में छाता था। अच्छा, खास बात यह कि पीएम मोदी ने छाता खुद थामा हुआ था। तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद थामा हुआ है छाता। और दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आई कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो उनके सिर पर भी छाता था, लेकिन छाता राहुल गांधी ने नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी ने थामा हुआ था। ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी के लिए छाता, सुरक्षाकर्मी ने थामा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद छाता थामा हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने। तो ये दो तस्वीरें आपने देखी, और ये दो तस्वीरें कहीं ना कहीं एक फर्क को रेखांकित करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। और उधर संसद के मॉनसून सत्र की जो हंगामेदार शुरुआत हुई आज, पहले ही दिन जब पीएम सदन में नए मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे, उसी वक्त हंगामा शुरू हो गया। अच्छा, इसकी वजह से लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। पीएम नए मंत्रियों का सदन में परिचय करा नहीं पाए इस हंगामे की वजह से। प्रधानमंत्री ने संसद सत्र शुरू होने से पहले सार्थक चर्चा की अपील की थी। संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष तीखे से तीखे सवाल पूछे, लेकिन माहौल शांत रखे, सरकार को जानकारी देने का मौका दे। लेकिन पहले ही दिन सांसदों पर इसका कोई असर हुआ नहीं। हंगामा ऐसा हुआ कि दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। तो आज जब अपने नए मंत्रियों का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहे थे, उसी दौरान हंगामा हुआ। इस हंगामा होने पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने आरोप लगाया कि भाई महिलाएं, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग मंत्री बने हैं ना, ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है, और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। तो संसद के दोनों सदनों में हंगामा। हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि संसद में ऐसी नकारात्मक मानसिकता नहीं देखी है। यह गर्व की बात है कि ग्रामीण भारत के साधारण परिवारों से आने वाले लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मंत्रियों का परिचय कराया जाए। उनकी महिला विरोधी मानसिकता भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिला मंत्रियों को भी सदन में परिचय कराया जाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जिस तरीके का हंगामा हुआ, उसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहली बार वो देख रहे हैं कि इस तरीके से जब मंत्रियों का परिचय कराया जा रहा हो, उस दौरान भी हंगामा हो रहा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था,
हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशन बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहां का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप ये जान लीजिए कि ये जो मॉनसून सत्र का पहला दिन है इस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक बार फिर से दोनों सदनों की कार्यवाही जो है उसको स्थगित करना पड़ा है। पहले दोपहर 2-2 बजे तक राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई थी, अब लोकसभा की कार्यवाही को 3:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित करनी पड़ी है हंगामे की वजह से। राज्यसभा में भी सदन के नेता पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामे को लेकर नाराजगी जाहिर की। वर्षों की एक परंपरा इस उच्च सदन में चलते आ रही है कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है, जब भी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तब माननीय प्रधानमंत्री जी सबका परिचय हमारे सदस्यों को करते हैं। ये परंपरा आज के नहीं है, दशकों से जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चलते जा रही है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको खंडन करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। ABP News आपको रखे आगे।